लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में आने के बाद सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर हमलावर हैं। गोरखपुर में उन्होंने कहा है कि सपा समाजवादी पार्टी का विकल्प बनकर उभरी है। उनकी पार्टी ने महिलाओं को एकजुट करने का काम किया। सपा के सम्मेलन में 10 से 20 हजार लोग जुट जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मीनपुरी, सहारनपुर, झांसी और गोरखपुर में सम्मेलन में सपा के मजबूत संगठन की ताकत दिखती है। यही वजह है कि हर दल सपा को साथ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सपा सबका गठबंधन था। गठबंधन को 125 सीटों पर जीत मिली। अब उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा का अब खाता भी नहीं खुलेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी काफी परेशान भी है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शिवपाल यादव को जमीनी सच्चाई का पता चल चुका है। संसद में विपक्ष के लिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें साफ हो गई हैं। विपक्षी एकता के पास ताकत नहीं बची है, इसलिए चुनाव जीतने का सवाल कहां पैदा होता है। उन्होंने सपा को यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर उतरने की चुनौती भी दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की विचारधारा के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने साथ होने का दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी स्वतंत्रता दिवस की खुशी मना रही है, इसलिए देशवासियों को भी खुशी मनाना चाहिए। शिवपाल यादव की तरफ से मिले प्रस्ताव के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बात कही। सपा में दोबारा जाने के सवाल पर उन्होंने इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि शिवपाल खुद उनके साथ आएंगे। ओम प्रकाश राजभर सर्किट हाउस में 8 जिलों के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक करने के लिए आए हुए थे। ऐसे में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। जी हां, संसद में विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोलते हुए सपा प्रमुख ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीरें अब साफ होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के समय में शिवपाल यादव की क्या अहम भूमिका रहती है और ओम प्रकाश राजभर के जो दावे हैं वो कितने ज्यादा सटीक बैठते हैं या फिर उनके दावे खाली जाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।